फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आई नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अब देश के कुछ राज्यों में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ते शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले। वहीं वाशिम जिले के रिसोर्ट तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 190 छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने से खलबली मच गई। देश में बुधवार को 16,886 लोग संक्रमित पाए गए। बता दें कि 28 दिन बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पाई गई है और इसी के साथ अब मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार जा पहुंची है। मार्च का महीना अभी आया भी नहीं और मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बुधवार को राजधानी दिल्ली में गर्मी ने पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यहाँ दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि अधिकतम तापमान की अगर बात करी जाए तो 2006 के बाद ये पहली बार हुआ जब फरवरी में तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं मुंबई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके के निर्मल गांव में 80 साल के गणपत नाइक राइस मिल चलाते हैं, जिसमें फरवरी महीने में बिजली विभाग की तरफ से उन्हें 80 करोड़ का बिल भेजा गया। बिल को देखकर गणपत की तबीयत बिगड़ गई और हाई बीपी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं बिजली विभाग इसके लिए मीटर रीडिंग लेने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए शुक्रवार यानी 26 फरवरी की भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। कल देश भर के बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। इसी के साथ देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत बंद के आह्वान को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा। वहीं तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्र बिना परीक्षा के पास किए जाएंगे। इसकी वजह कोरोना जैसी बढ़ती महामारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के कारण आई असामान्य स्थिति के चलते शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के अनुरोध पर यह फैसला लिया जा रहा है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।